हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टीईटी में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ बिहार सातवें चरण शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित बड़ी खबर के विषय में। सदन में शिक्षा मंत्री जी का बड़ा बयान जो है वो शिक्षक भर्ती पर जारी है। उन्होंने सदन में कल शिक्षक भर्ती पर अपना एक बयान दिया है जिसके संबंध में, उससे पहले जो इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ताकि बिहार सातवें चरण शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई कोई भी बड़ी छोटी अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 2 लाख पदों पर चल रही है नियुक्ति की प्रक्रिया और इसी को लेकर उन्होंने कल सदन में बयान दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, 2 लाख पदों पर चल रही है नियुक्ति प्रक्रिया, शिक्षा मंत्री जी ने कहा है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी अंतिम चरण में है। यह नियमावली भ्रष्टाचार मुक्त, त्रुटि रहित, केंद्रीय कृत एवं पारदर्शी होगी। इससे शिक्षकों की सेवा शर्त बेहतर होंगे और अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा। शिक्षा विभाग में 2 लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि अंतिम चरण में है आपकी नियमावली और ये पूरी तरह से पारदर्शी होगी, त्रुटि रहित होगी, इसीलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लग रहा है। बिहार के हर जिले में शिमू लताला की तर्ज पर बनाया जाएगा मॉडल विद्यालय। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने कहा कि हर जिले में सिमुलतला विद्यालय की तर्ज पर मॉडल विद्यालय बनाए जाएंगे। प्रत्येक जिले में अच्छी सुविधा युक्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से पूरे राज्य में लगभग 85 चिन्हित उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अनुकरणीय विद्यालय बनाया जा रहा है। 22 जिलों में एकीकृत शिक्षा विभाग के संचालन के लिए विद्यालय सदन भवन बनाया जाएगा। सीतामढ़ी, लखीसराय, मधुबनी, बक्सर और औरंगाबाद में शिक्षा भवन के निर्माण के लिए 22,95,008 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मंत्री के जवाब के दौरान नेता प्रतिपक्ष विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के सांस्कृतिक विरासत को लेकर पूर्व के वक्तव्य के लिए खेद जताने की मांग की और विपक्ष ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि बिहार के हर जिले में शिमुलतला की तर्ज पर बनाया जाएगा मॉडल विद्यालय, क्योंकि शिमुलतला के विद्यालय से ही हर बार जो टॉप 10 के टॉपर्स होते हैं, 10th और 12th के, वहीं से तैयार किए जाते हैं। तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हर जिले में ऐसा विद्यालय हो जहां से टॉपर्स की संख्या इसी तरह की निकाली जाए ताकि बिहार में जो है वो शिक्षा का माहौल बदले और शिक्षा बहुत ही अच्छी तरह से हो सके, जिसकी पूरे देश में बहुत ही अच्छे नज़र से देखा जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में अपने इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।